आज इस बहुत ही पावन अवसर पर जिनका अभी हमने संबोधन सुना, हंस फाउंडेशन की ओर से परम पूज्य श्री भोले जी महाराज, पूज्य माता मंगला जी, पार्टी के हमारे प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, आपके लोकप्रिय विधायक और हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, माननीय विधायक शौरी लाल जी, सुरेंद्र शौरी जी, पूर्व विधायक श्री महेश्वर सिंह जी, हमारे बीच में श्री राम सिंह जी, बहन दिनेश्वरी जी, कविंदर जी, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, पार्टी के हमारे संगठन के सभी प्रतिनिधि भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आज देवभूमि कुल्लू के लिए ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जहाँ बारिश भी हो रही है और वहाँ एक बहुत ही पुण्य कार्य की शुरुआत यहाँ पर हुई पतली कुल में। हंस फाउंडेशन की ओर से स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आज जो एक हॉस्पिटल का शिलान्यास किया, उसके लिए मैं आदरणीय श्री भोले जी महाराज और माता मंगला जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सरकार चलाते हैं, लेकिन सरकार चलाते हुए भी हमको अगर 60 बिस्तर का हॉस्पिटल जिसमें सुपर स्पेशलिटी जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध, जिसमें 4 OT होंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होंगे, अगर उसको समेकित करना होता तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, घूम घूम करके वो डिपार्टमेंट से होकर के फाइनेंस में, फाइनेंस से होकर के कैबिनेट में, फिर कैबिनेट में, फिर चर्ची करना है कि नहीं करना है उस पर निर्णय होता है। लेकिन यहाँ सारी प्रक्रिया के बिना ही गोविंद जी बहुत भाग्यशाली हैं कि वो प्रक्रिया पूरी हो गई और आज उसका शिलान्यास भी हो गया। मैं गोविंद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सही मायने में मैं कह सकता हूँ ये बहुत ही पवित्र और पुण्य का कार्य है। और जिस प्रकार से हंस फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड में, जिसको भूल नहीं सकते लोग, बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में वहां पर एक घटना घटित हुई थी, जब बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में बहुत बड़ी क्षति हुई थी और उस क्षति में बहुत सारे लोगों का जीवन भी चला गया था। उस वक्त हंस फाउंडेशन का योगदान, मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़े योगदान में से वो एक योगदान, लगभग 500 करोड़ रुपए का योगदान वहां पर किया। और जैसा माता जी ने यहां पर बताया कि उत्तराखंड के तो रहने वाले हैं, वहां के प्रति इनका एक दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड को अगर देवभूमि कहा जाता है तो हिमाचल प्रदेश को भी देवभूमि कहा जाता है। और देवभूमि जब कह दिया तो ये प्रांत दो नहीं रह जाते, ये एक हो जाते हैं। और इस भाव के साथ आपने हिमाचल प्रदेश में आकर के इस पुण्य कार्य की एक बहुत बेहतरीन शुरुआत की है, उसके लिए हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम इस शैतान को चुपका नहीं। अभी कुछ दिन पहले
कोविंद जी ने माता जी से बात की और इनके सारे जो संचालन करने वाले जो प्रमुख लोग हैं उनसे चर्चा हुई। चर्चा होने के पश्चात हिमाचल प्रदेश को 15 एम्बुलेंस जो है मोबाइल बैन जो है वो मेडिकल मोबाइल यूनिट जो है वो उपलब्ध कराए गए और मुझे इस बात की खुशी है कि वो सारी मोबाइल बैन जो है बहुत दूर दराज के इलाके में अपनी सेवाएं दे रही हैं, जिसमें डॉक्टर है, जिसमें डॉक्टर के साथ साथ में टेक्नीशियन है, वो सारी जो लैब का जो बेसिक जो उसमें जो टेस्ट होने होते हैं वो टेस्ट भी किए जा रहे हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि कोई आदमी इस प्रकार के कार्य के लिए आगे आता है उसके बदले में कुछ चाहता है, लेकिन हंस फाउंडेशन की एक बहुत बड़ी एक ये विशेषता है, सिर्फ देने का लक्ष्य है, लेने का लक्ष्य कभी नहीं। ये बड़ी बात, इस भाव के साथ काम करने की चीजें हमको पूरे समाज में बहुत कम देखने को मिलती हैं और इसलिए गोविंद जी बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आपको माता जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद के चलते आप समाज के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम करते हुए लोगों की सेवा के कार्य को पूरा कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में हम देर से पहुंचे क्योंकि इससे पहले कार्यक्रम पहले निर्धारित हो गया था, पहले कुछ उसमें चल रहा था, आगे पीछे की तारीख चल रही थी, लेकिन उसके बाद केंद्र से वो तारीख तय हो गई, मुझे उस कार्यक्रम में भी कांगड़ा जाना पड़ा, अन्यथा आज के दिन मैंने निर्धारित कार्यक्रम यही रखा था। मैंने सोचा था कि हम बहुत आराम से आपके साथ बैठेंगे, गपशप भी मारेंगे और इस पुण्य कार्य के भाग जो है वो भागीदार भी बनेंगे और माता मंगला जी का यहाँ पर आशीर्वाद भी मिलेगा, इसलिए हमने सोचा था कि आज का दिन और काम नहीं। लेकिन अब दौर ऐसा आ गया है कि बहुत सारे काम भागते भागते करने पड़ रहे हैं क्योंकि बहुत जगह से आग्रह आते हैं और वहां पहुंचना भी बहुत जरूरी होता है। आज मैं इस बात के लिए भी गोविंद जी को बधाई देना चाहूंगा कि यहां पर अभी एक रस्म यहां पर और होनी है, शिलान्यास की, और वो शिलान्यास की जो रस्म होनी है जिसमें 6 शिलान्यास यहां पर होने हैं, लगभग 15,20,00,000 रुपए की लागत से। अलग अलग योजना हैं जिसमें तहसील मनाली में नसोगी तथा गांव के लिए जलापूर्ति का शिलान्यास था 6.5 करोड़ की लागत से, वो अभी होगा, और वाशिम गांव के लिए उठाऊ जलापूर्ति योजना है, उसका संवर्धन है, उसमें 85,00,000 की लागत से उस कार्य को भी हम शुरू करेंगे, और डोभी और शिम गांव में भाव सिंचाई योजना का जो है उसका सुधार करने की दृष्टि से 75,00,000 की लागत है, उसकी भी शुरुआत करेंगे। पतलीकूल में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड जो हमारा ISBT टर्मिनल जो है उसका शिलान्यास 3,13,00,000 की लागत से आज यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नगर का जो हमारा साइंस ब्लॉक जो है उसका भी शिलान्यास 1.5 करोड़ की लागत से आज यहाँ पर होने वाला, उसके लिए भी आप सबको बधाई। और कटराई में लोक निर्माण विभाग मनाली मंडल के 10 आवासीय क्वार्टर जो है वो जो 2.5 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार होंगे वो उसका भी आज शिलान्यास है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी इस कार्यक्रम के बाद हमको शिमला भी पहुंचना है तो इसलिए बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका सहयोग और समर्थन सदैव मुझे प्राप्त हुआ और हिमाचल प्रदेश में आप सब के सहयोग से हमारी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, आज 1 महीना कम है। 27 दिसंबर 2017 को हमारी सरकार बनी थी, आज 4 साल 5 महीने का पूरा कार्यकाल हुआ है और आने वाले समय में मुझे सबके सहयोग से पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है
जिस प्रकार से इस कोविड के संकट में भी आप सब लोगों ने विकट परिस्थितियों का सामना किया, परेशानी में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आप सबका सहयोग मिला, स्नेह मिला और हिमाचल प्रदेश में विकास की गति को रुकने नहीं दिया, थमने नहीं दिया, हमने उस विकास को आगे सतत चलने के लिए रास्ता निकाला। जो 4-5 महीने का कार्यकाल हमारा बचता है चुनाव आचार संहिता से पहले, उसमें जितना भी संभव हो पाएगा हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए एक एक क्षण हम समर्पित करेंगे। जहां भी विकास के लिए जो करने की जरूरत होगी उस काम को करने की हम कोशिश करेंगे और स्वाभाविक रूप से उसके बाद एक परीक्षा का दौर आएगा हमारे समक्ष, जो जिस दौर को हमने पार करना है और उसके लिए मैं आप सबका भी आशीर्वाद, आप सबका सहयोग भी चाहूंगा, आप सबका समर्थन भी चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में अगर ईमानदारी से हमने 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, हर क्षेत्र में विकास को गति देने का जिस प्रकार से मैंने कहा कि हमने प्रयत्न किया है, उन सारी चीजों को आगे बढ़ाते रहना और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मजबूती के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, अलग पहचान बनाने में सफल हो रहा है, की सरकार के नाते हिमाचल और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के काम कर रही है और इसको आने वाले समय में और आगे तेजी से बढ़ाने के लिए अगर हमने चलना है तो उसके लिए स्वाभाविक रूप से आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है निश्चित रूप से वो सहयोग और समर्थन आपका हमको प्राप्त होगा और हम आने वाले समय में फिर से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने में सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा आप सबके बलबूते है और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये हो करके रहेगा और ये करके भी छोड़ना है। कई लोग हमारे मित्र इस बात का जिक्र करते हैं कि मैं आज राजनीतिक बात ज्यादा नहीं करना चाह रहा हूँ, ये मंच उसके लिए मैं थोड़ा संकोच कर रहा हूँ, लेकिन वो कई लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, जब हमारी बारी आई और हम कह रहे हैं कि थारी बारी नहीं आएगी भाई, आने हिंदी क्या, और बारी का जो है वो रिवाज भी बदल गया है आपकी बात। अब उत्तराखंड में चुनाव हुए, अभी हाल ही में चुनाव हुए तो वहां पर भी लोग बोल रहे थे हमारी बारी है, हमारी बारी है, हल्ला डाला तो बड़ा भारी, छोड़ डाला था बड़ा भारी, लेकिन बारी आई नहीं, लोग को कह रहे बारी उसकी रही जिसकी चली हुई। और इसलिए उन मित्रों को हम कहना चाह रहे हैं कि भाई ये बारी बाड़ा की बात खत्म हो गया, ये पुरानी बात हो गई है, बदल गया है रिवाज, अब तो वैसी है कि जिसकी बारी है वो बारी चलती रहेगी, दिल्ली में मोदी जी चलते रहेंगे और हिमाचल में भाजपा की सरकार चलती रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। मेरी बात को उनको थोड़ा बुरा भी लगेगा लेकिन बुरा मत मानना, लेकिन हो गया अभी ऐसा रिवाज हो गया ना, अब उसमें हम क्या करें। उत्तराखंड जब से तो मैं आया उसके बाद वहां पर कोई सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई, लेकिन अब कितनी बार हो गई, हम इस बात से सहमत हैं कठिन काम है, लेकिन उसके बावजूद कठिन काम करने का कभी कभी मौका मिलता, हम इस करके छोड़ेंगे इस काम को, बाकी सारी चीजें हम आगे आने वाले समय में कहेंगे, फिर से आपके बीच में आएंगे। भाई गोविंद जी ने कुछ बातों का जिक्र यहां पर किया हुआ है, उन बातों को मैंने सुना, बहुत सारे विकास के कार्य मनारी विधानसभा क्षेत्र में चले हुए, लेकिन एक दो चीजों को लेकर के बहुत अच्छी उन्होंने एक सुझाव बात कही है, व्यास कुंड पर व्यास ऋषि के उस स्थान पर पावन स्थल पर जहां उन्होंने कहा है कि वहां हम चाह रहे हैं कि क्योंकि अब टनल बन करके रास्ता लाहौर जाने का और हो गया, नहीं तो व्यास कुंड से होकर के ही सबको जाना होता था, ऐसी परिस्थिति वहां पर भी हमारा पर्यटन का वो भी केंद्र बने, रोहतांग पूरे देश नहीं दुनिया में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इसमें टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ भी उसको रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए भी हम सोच सकते हैं, हम काम करेंगे, निश्चित रूप से काम करेंगे। और इन्होंने जो कहा कि व्यास कुंड पर जो है महर्षि व्यास जी की भव्य मूर्ति वहां पर बनाने का जो प्रस्ताव रखा है,
जिसका माता मंगला जी से निवेदन किया और उन्होंने स्वीकार ही कर लिया। बहुत सच कह रहा हूँ कि बहुत ही हृदय खुला हृदय से इन्हें स्वीकार किया। ये एक बहुत बड़ी ऐसा एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसा एक योगदान होगा जिसको देश नहीं दुनिया जो है उसको देखेगी और दुनिया उसको स्मरण करेगी। ये बहुत ही बेहतरीन बात कही है। दूसरी बात, वो हडिम्बा माता का मंदिर है, माँ हडिम्बा का आशीर्वाद हम सब लोगों पर बना रहे। बहुत सारे टूरिस्ट वहां पर आते हैं, लेकिन हम हडिम्बा मंदिर के यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत कुछ नहीं कर पाए और बहुत ज्यादा करने की गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन एक चीज के लिए जो सुझाव आया कि लाइट एंड साउंड वहां पर सिस्टम जो अगर लगा करके उसको जो है वो इतिहास को वहां पर इस प्रकार से लोगों को दिखाया जाए, कोई आदमी अगर मनाली में आकर के यहां पर पहुंचे और माँ हडिम्बा के वहां पर सिर्फ दर्शन करने तक सीमित ना हो, वहां जाए तो वो समझे कि इस स्थान का महत्व क्या है, इस मंदिर का महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है, धार्मिक महत्व क्या है। उस दृष्टि से उसमें मैं कहूंगा कि सिर्फ लाइट एंड साउंड सिस्टम ही नहीं, उसमें मुझे लगता है कि उसमें और भी ज्यादा आगे जा करके उसकी जो हिस्ट्री इतिहास पर जा करके उसका पूरा चित्रण करना चाहिए, जिस चित्रण को 20 मिनट 30 मिनट तक लोग आए और आकर के उसको सुने, ताकि जो मनाली घूमने के लिए आए वो इस बात को अपने दिमाग में डाल करके जाए कि माँ हडिम्बा का मंदिर का महत्व क्या है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक पूजने का कार्य होगा वहां पर भी। और माता मंगला जी की ओर से इन्होंने कहा, निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए भी मदद करेंगे। और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इसमें मिलकर के भी काम करेंगे, जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसके डिपार्टमेंट के माध्यम से भी हम मिलकर के इसमें हम भी इसमें सहयोग करेंगे, जो कुछ काम हम करेंगे तो मिलकर के इसको पूरा करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, ये बहुत बहुत सपूत है। एक और बात कही गई है, जहाँ कुल्लू के हॉस्पिटल जो हमारा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर शायद सीटी स्कैन तो है लेकिन MRI नहीं है, ऐसा बताया गया। और इसके लिए भी गोविंद जी ने जिक्र किया, तो मैं तो आज बहुत बहुत धन्य अपने आप को मान रहा हूँ कि आज जो है वह मुझसे बहुत कम मांगा गया है और ज्यादा जो है वो माता जी से मांगा गया है, और माता जी कभी मना नहीं कर सकती हूँ। इसलिए गोविंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अच्छा कार्य है और वहाँ MRI कुल्लू में लगे। और उसमें भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सरकार की ओर से जो संभव सहयोग उसमें करने का होगा वो उसको हम करेंगे, और जो भी चीजें जो औपचारिकताएं फॉर्मेलिटीज और उसमें इंस्टॉलेशन की जो सारी टेक्निकल चीजें होती है उसको हम देखेंगे। और आप सिर्फ इतना ही है कि अगर हमको मशीन उपलब्ध करा दें और उसके बाद फिर ऐसा ही कोई कार्यक्रम हम करेंगे जब आपको हम बुलाएंगे और आपको बुला करके वहां पर उसकी शुरुआत करेंगे। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ ये अच्छा कार्य होगा। एक जो मेडिकल मोबाइल बैंक के लिए जो बात कही गई है उसके लिए इन्होंने कुछ और मांग की है, कुल्लू में हर ब्लॉक के लिए बात कही है, तो उस बात को वो भी अच्छा रहेगा, बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो एक बात कही गई यहाँ पर, जो गौ सदन में भी मदद करने की बात कही है, यहाँ 5 गौ सदन है कुल्लू जिला में, उसमें भी आपने कहा कि उसमें जो NPP का पैसा जो हमारा जो फॉरेस्ट के लिए जो जमा किया जाता है उसमें जो सहयोग राशि होगी उसमें भी मदद करने के लिए आपने आग्रह किया है, उससे भी मदद हो जाएगी। ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। कई बार मुझे बहुत पीड़ा होती है जब हम इस बात को देखते हैं, गाय को हम माँ तो कहते हैं लेकिन माँ कहीं चौक चौराहे पर गिरी पड़ी हुई है, टांग टूटी पड़ी है, घायल पड़ी है, बीमार पड़ी है, कोई उसके लिए मदद करने के लिए आगे नहीं आता, सब देख करके चले जाते हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने का पहला जिस दिन हमारा कैबिनेट की बैठक थी, पहले कैबिनेट की बैठक में हमने हिमाचल प्रदेश में इस कार्य की शुरुआत की है। 2 चीजों की हमने शुरुआत की है। एक हमने ये तय किया बुजुर्गों के लिए
घर बैठे हम पेंशन देंगे, जो मदद हम बुजुर्गों के लिए कर सकते हैं वो पुण्य का कार्य। और दूसरी गाय को अगर हम मां कहते हैं, उस मां का धर्म, मतलब मां कहा है तो उसके प्रति जो हमारा धर्म है उसका हम पालन करें। और उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में तय किया था कि हम गौ सदन, गौ सेंचुरी जो है जितनी भी होंगी ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार बनने से पहले हिमाचल प्रदेश में जो गौ सदन में जो गाय थी उनकी संख्या लगभग 6,000 थी। आज मेरे हिमाचल प्रदेश में इतनी तेजी से हमने काम करने की कोशिश की है, आज हिमाचल प्रदेश में 4 वर्षों में गौ सदन में गाय की संख्या जो है 6,000 से बढ़कर के 21,000 हो गई है। और आने वाले समय में हमारा जो कुछ एक जगह और भी बनने वाले हैं, गौ सेंचुरी भी बनने वाली है, गौ सदन भी बनने वाले हैं, और जैसे वो बन करके तैयार होंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि कम से कम उसमें भी 5,000 के टारगेट हमारा जो है वो 5-6,000 का टारगेट दिसंबर से पहले उनको संरक्षण देने की दृष्टि से है, उस कार्य को भी हम करेंगे। और इसलिए मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, सदैव करता हूँ, लोग समाज को भी आगे आना चाहिए। और हिमाचल शायद संभवतः पूरे देश भर में पहला राज्य है जो अपने गौ सेंचुरी, गौ अपना गौ सदन चलाएगा। उसके लिए हमने एक गाय पर 700 रुपए महीने का उसके लिए मदद देने का हमने निश्चय किया, हम दे रहे, कई नहीं है। आज से पहले सरकारें इतनी रही लेकिन कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं कि गाय के लिए भी उसके जीवन की रक्षा करना हमारा दायित्व तो है। गाय तब तक के लिए हमारी नहीं जब तक ये दूध देती है। गाय अगर है तो जिसको हमने मां कहा है वो सदैव हमारे पास होनी चाहिए। इस भाव के साथ हमने उस कार्य को करने की हमने कोशिश की है, तो मैं यही कहना चाहूंगा, उसमें हम आने वाले समय में आगे बढ़कर के काम करेंगे। बाकी सारी चीजें हैं, यहां पर गोविंद जी ने बात कही है, दो तीन चीजें और जो मेरे ध्यान में यहां पर लाई गई है, जो रोहतांग दर्रे का जो सौंदर्यकरण की बात कही गई है डिप्टी कमिश्नर महोदय से और गोविंद जी से मेरी बात हो रही थी, उसके लिए लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में हम गुलाबा से रोहतांग तक जो है मोबाइल टॉयलेट जो है उसके लिए वो भी व्यवस्था करने की दिशा में एक प्रोजेक्ट बना करके हम तैयार किए हैं, और ताकि पर्यटक आए उनको कठिनाई का सामना ना करना पड़े, उनको उस तरह की सुविधा भी इसमें दी जाए। और वहाँ उसके सौंदर्यकरण की दृष्टि से भी जो एक पूरी डिटेल रिक्री हमारी बनकर के तैयार हो रही है, एक उसका एक एस्टिमेशन, उसके हिसाब से जितना भी पैसा उसमें लगेगा उस काम को पूरा करेंगे। लेकिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये रोहतांग सदैव रहे, ये हमारा प्रयत्न रहेगा। एक और चीज को लेकर के जो मनाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो हमारी सोनम घाटी का जो सौंदर्यकरण उसके बारे में भी बात कही गई है, और उसके लिए भी मैंने कहा है कि जो नेचर पार्क और उसके साथ बे साइड एम्यूनिटीज और पार्किंग की सुविधा, ये 3 चीजों का एक हमारा प्रोजेक्ट बना करके तैयार हो रहा है। और जैसे वो बन करके तैयार हो जाता है, और इसमें जो मुझे मालूम पड़ा है कि रोहतांग की तरफ जो है वो हमारा अटल टनल रोहतांग के साथ जो लगभग 16 हेक्टेयर भूमि में जो है जो वो डंपिंग की है मक की, उस साइट पर जो है लगभग 10 हेक्टेयर भूमि वहाँ पर उपलब्ध है, वहाँ पर इस काम को हम बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं, ताकि ये भी एक टूरिस्ट के लिए आने जाने का एक हमारे आकर्षण का एक केंद्र बने और टूरिस्ट के लिए एक अच्छी एक डेस्टिनेशन डेवलप हो। एक और चीज़ जो हमारे यहाँ पर जितने भी मनाली में वोल्वो बसेज आती हैं, इंटरस्टेट बस टर्मिनल मनाली का जो, उसके सिलसिले में ये कहा गया कि एक तो वहाँ पर प्रोटेक्शन वॉल देने की जरूरत है, और उसके साथ एक पार्किंग बनाने की भी करके तैयार होता तो उसके लिए भी हम पूरा मदद करेंगे, जितना भी उसमें हो सकता है उसके मुताबिक उसके पैसे का प्रयास उसको पूरा करेंगे। बाकी 3-4 चीजें और कही गोविंद जी ने, हालांकि मैंने कहा था कि आज के इस कार्यक्रम में छोड़ दीजिए, लेकिन ये छोड़ते नहीं है। तो यहाँ कहा गया एक राजकीय माध्यमिक पाठशाला ग्राम पंचायत काइस में है, क्या नाम है, कोटा आगे, बड़ा कठिन नाम है। तो इस पर और उसके बाद दूसरा बताया गया कि एक ग्राम पंचायत मंडलगढ़ में जो है शिमला करके,
ये दो मिडिल स्कूल हैं, दोनों मिडिल स्कूल को अपग्रेड करने के लिए बात कही है, तो मैं दोनों को अपग्रेड करके उनको हाई स्कूल करने की यहां पर घोषणा करता हूं। और इसके साथ साथ मैं ग्राम पंचायत गहार के अपर गहार में नया राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोलने के लिए भी आग्रह किया है, इसको भी मैं स्वीकार करता हूं, ये स्कूल भी वहां पर बना दिया जाएगा। और उसी तरह से मनाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोशाल है, बहांग है, जगत है और नथान है, वहां पर इन्हें कॉमर्स की क्लासेस के लिए कहा गया है। इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जिसकी जो हमारी एक फॉर्मेलिटी होती है, एक औपचारिकता होती है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, दूसरा स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स के मुताबिक जितने भी इसमें आएंगे उनको पूरा करेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूँ, उसको भी पूरा करेंगे। और आगे बढ़ करके एक और जो बात कही गई कि बिवेली में कहा है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि BSC खोलने की बात कही है, ये बिवेली कहने से कितना दूर पड़ा, ये नजदीक है, चलो जितना भी होगा आपने बोल दिया है तो अब करना पड़ेगा। ये बवेली में एक PSC खोलने की भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ, ताकि वहां पर स्वास्थ्य की और बेहतर सुविधा मिल सके। और आगे बढ़कर के एक बात कही है उन्होंने कि एक हमारा CSC है यहाँ पर जो खोल दिया गया है, और उसमें सिर्फ इतना ही है कि उसमें बिस्तर जो है वो 30 करने की बात कही गई है, अभी बेड कैपेसिटी उसमें शायद कम है, तो उसको भी 30 बेड की कैपेसिटी के साथ इसको बनाएंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और आगे बढ़कर के वेटनरी डिस्पेंसरी के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर 3 पंचायतों में जो नई पंचायतें बनी है वहाँ पर खुली नहीं है, रावगी है और उसके बाद रावगी के साथ शायद कुमारहट्टी है और उसके बाद एक सलीमचा है, ऐसा है ना, 3 कहा गया है, इन तीनों जगह वेटनरी डिस्पेंसरी खोलने की भी मैं घोषणा करता हूं, क्योंकि हर पंचायत में हम खोल रहे हैं, अगर नई पंचायतें बनी है तो वहां पर नहीं है तो उसको भी हम खोलेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक बाढ़ यहां इन्होंने कहा कि कटराई पंचायत में जो बाढ़ बंदी के लिए लगभग 8 करोड़ की जो है वो टेक्निकल सेंक्शन जो है प्रदान हुई है, उसमें बजट प्रावधान करने के लिए उन्होंने कहा है, मैं इसकी सारी डिटेल पता करूंगा और पता करने के पश्चात इसको जो पैसे की जरूरत होगी उसको भी पूरा करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ताकि वहां लोगों को, कटराई के लोगों को जो है इसकी सुविधा प्राप्त हो सके। और उसी प्रकार से पतलेकुल में एक मार्केटिंग यार्ड और भवन निर्माण के लिए भी जिन्होंने बात कही है, इसके लिए अगर जमीन उपलब्ध है और जमीन उपलब्ध है तो उसके साथ साथ में मेरा यही है कि आप सबसे कहना कि उसके एस्टिमेशन का प्रावधान भी कर लें और जो औपचारिकताएं हैं उसकी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करें, और इसको भी, इस मार्केटिंग यार्ड को भी यहाँ पर बना करके देंगे, ये भी मैं स्वीकार करता हूँ, इतना मैं कहना चाहता हूँ। और देखिए हम पहाड़ी लोग दिल के बड़े साफ होते हैं, पहले तो ऐसा लग रहा था कि आज शिमला जाने में कठिनाई आएगी, अब मुझे लग रहा है कि शिमला जाने में अब कठिनाई नहीं होगी, मौसम हमारा इंतजार कर रहा था और आपकी भी परीक्षा ले रहा था कि कौन कौन लोग इस मौसम में, खराब मौसम में बैठे रहे। अंजन जी एक और इन्होंने कही है, उसकी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे हम, संस्कृत हमने हिमाचल प्रदेश में दूसरी राजभाषा रखी है, उत्तराखंड में भी रखी है, लेकिन उसमें काम करना अभी तक बाकी, अभी आगे तक है उसमें, और संस्कृत हमारी अपनी भाषा है जैसे हिंदी है, और हिंदी का जो है उसका भी ओरिजिन जो है, जिसको हम कह सकते हैं मूल जो है, वो संस्कृत है, और संस्कृत का बढ़ावा देना ये हम सबकी प्राथमिकता भी है, हम कर भी रहे हैं। और आने वाले समय में जहाँ इन्होंने कहा है कि कॉलेज के लिए, इसके लिए भी पूरी औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज का सारा जो दौर हम पूरा करेंगे, कहाँ बनाया जा सकता है, क्या औपचारिकता इसकी हो सकती है, जमीन की उपलब्धता और उसके साथ सारी चीजों को, और उस दिशा में आगे, और जैसे ये फॉर्मेलिटी वाला पार्ट गोविंद जी पूरा करते हैं तो संस्कृत विद्यालय देने के लिए भी हम इस बात पर निश्चित रूप से विचार करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। आप सब आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए, बारिश के बावजूद भी बैठे, हमारे देर से आने के बावजूद भी आप लोग बैठे रहे, अब सचमुच में एक बार एक ताली अपने लिए बजाओ आप भाई, आप सबका बहुत धन्यवाद। और खास तौर से मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ माता मंगला जी का और भोले जी का,
जो विशेष तौर से आज के इस कार्य में हमको यहाँ मदद करने के लिए आए, अपना आशीर्वाद देने के लिए आए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। बंद करो। हाँ।